सब लोग ऑनलाइन क्लास में अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे। तो पहला 10 मिनट मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता दूं कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग है वो करेंटली हम लोग गूगल मीट नहीं कर रहे, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा लैग हो रहा है। लैग होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, जैसे ऑनलाइन पे भी हो रहा है, एंड तो इसलिए हम लोग नॉर्मल गूगल मीट पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बट द क्वालिटी इज वेरी गुड आई गेस। तो गूगल मीट का हो चाहे रिकॉर्डेड सॉफ्टवेयर का हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज द फर्स्ट क्लास इन CM1। बहुत लोग हम लोग को पहले ज्वाइन कर चुके हैं, एंड हमने उनको 2-3 क्लास करवा दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ आवर फुल फ्लेजेड क्लासेस हैव स्टार्टेड। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आएगा ड्यू टू दुर्गा पूजा एंड दिवाली, बट बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं आएगा, 4-5 डेज, 4-5 डेज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम लोग जो चालू कर रहे हैं, अभी हम लोग का इसका कंप्लीशन इज दिसंबर ओनली। जो दिसंबर बोले थे वही रहेगा, एंड मैंने शेड्यूल पूरा ग्रुप में डाल दिया है। सो आई डोंट थिंक सो किसी का भी सेंटिमेंट उस शेड्यूल से हर्ट हो रहा है। अगर आप लोग देखोगे, ऐसा कोई कॉलेज वर्किंग प्रोफेशनल्स का मैं समझ सकता हूँ कि उनका जो ऑफिस टाइम है दैट इज 9 बजे खत्म होता है, किसी का 6 बजे तक रहता है, तो उनका 100% लाइव होना इज क्वाइट चैलेंजिंग। बट स्टिल वी हैव मैनेज टू कीप क्लासेस सोनली ऑन द वीकेंड्स, ओके। एंड कोई भी कॉलेज स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो मेरे को ये बोल सके कि सर आपके शेड्यूल में मेरा मेरा लाइव अटेंड नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से हमने बनाया है, वी हैव के मल्टीपल ऑप्शंस इन लाइव, तो सब लोग को लाइव अटेंड करना है। देखो मैंने ये चीज इसलिए किया है, हमने पूरा टीम इसलिए, तो मैं अकेला ही काफी हूँ, मैंने टीम इसलिए बनाया है कि लाइव का एक अलग ही मजा है, चाहे आप लाइव ऑनलाइन करो चाहे आप फिजिकल में आके करो, क्योंकि संग संग आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाता है, राइट। एंड आपको रिकॉर्डेड भी दे दिया है, इनकेस अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप रिकॉर्डेड से भी इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। सो आप देखोगे पहले क्या होता था ना, CM1 को करने में रफली 1 साल का टाइम लगता था, बट धीरे धीरे हमने पढ़ाने का स्टाइल समझ लो या फिर एडवांसमेंट इन करिकुलम कुछ भी, अब उसको हम लोग आराम से 3 महीना में प्रॉपरली कर सकते हैं। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स दे वर नॉट एबल टू स्टडी मोर देन 2 to 3 आवर्स, मतलब उससे ज्यादा वो लोग, उतना आज के दिन पे हम लोग देखते हैं बच्चों का जो क्वालिटी सुपर, मतलब वो लोग 5 5 6 6 घंटा बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज है कि हम लोग बहुत रेगुलर क्लास करेंगे, एंड रेगुलर क्लासेस करने से क्या होगा, हम लोग का फ्लो ब्रेक नहीं होगा बिल्कुल। CM1 में अगर आप देखेंगे तो CM1 में आपका एक है पेपर ए और एक है पेपर बी, ठीक है। अगर आप IFOA से अपियर कर रहे हो तो IFOA से इसमें आपका वेटेज है 70%, इसमें आपका वेटेज है 30%। IEI में दोनों का वेटेज है 50-50, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है, आपका IFOA से अगर आप अपियर करते हो कंसोलिडेटेड स्कोर आता है। तो फॉर एग्जांपल दोनों 100 100 मार्क्स का पेपर है, एंड आप यहाँ पर स्कोर करते हो 70, यहाँ पर आप स्कोर करते हो 50, तो 77 जा 49 यहाँ आएगा, एंड यहाँ आपको 15 नंबर आएंगे, तो आपका स्कोर आएगा 64। अब आपका पासिंग मार्क अगर 62 है तो आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो। तो पेपर ए पेपर बी एंड टाइपिंग फॉर IFOA स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको टाइपिंग को भी एकदम संग संग करना है, मतलब आज से जो मैंने कराया उसको आप जाके MS Word पे टाइप करके देखो। तीन चीज आपको मैनेज करना है। फॉर IIS स्टूडेंट्स आपको टाइपिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको टाइपिंग पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम। IFOA का जो एग्जाम फॉर्मेट है अभी वो घर से ही हो रहा है, ठीक है, अभी वो घर से ही हो रहा है, ठीक है। अभी शुरू के कुछ क्लासेस हम लोग पेपर ए करेंगे, एंड संग संग हम लोग पेपर बी भी चालू कर देंगे। नाउ पेपर बी में करने से पहले, चैप्टर स्पेसिफिक करने से पहले हम लोग को बेसिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बेसिक्स में अराउंड 7 8 क्लासेस है, तो पूरा वो हम लोग लाइव नहीं कराएंगे, ठीक है, पूरा बेसिक्स लाइव नहीं कराएंगे। आप लोगों को बेसिक्स का एक्सेल देखना चालू करना है, एंड शिवांगी मैम विल बी टेकिंग क्लासेस, वो आपको पुश करके स्टार्ट करवा देंगी। शुरू का जो 3 घंटे का कंटेंट है, 2.5 3 घंटा 3.5 घंटे का जो कंटेंट है वो हम लोग लाइव पढ़ाएंगे, ताकि आप एक्वेंटेड हो जाओ कि एक्सेल में यूज करना मेरे को आ गया, एंड देन आपको रिकॉर्डेड जो है एक्सेल का बेसिक्स वो आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। वीक बाय वीक हम लोग टारगेट देंगे, आपको एक कंपाइलर मिला होगा या फिर आपको एक रिविजन नोट मिला होगा, बोथ आर सेम। आपको एक क्विक नोट्स मिला होगा, आपको एक समरी मिला होगा, बोथ आर सेम। तो एक क्वेरी लेके मेरे पास मत आता, ये किताब अलग है, नहीं एकदम सेम बुक है, ठीक है, एकदम सेम बुक है, ठीक है।
एंड यस आपको पूरे इंस्टीट्यूट का मैट भी मिला होगा, वो हम लोग को पूरा थरोली करना है। अगर आपको एग्जाम पास होना है मतलब आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल को एकदम सब कुछ मान के करना पड़ेगा। आई एम नो वन, इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज द किंग, उसी से सब कुछ आता है। तो उसको एकदम पूरा पूरा सपाट इंस्टीट्यूट का मटेरियल सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक पेज उसका रीड करना है, उसको पूरा एकदम अच्छे से पूरा पढ़ना है। और अगर पहला पेपर जैसे तेरा पेपर है, बहुत लोगों को लगता है यार मैं तो शादी भी मेरा हो जाएगा जब तक मैं बंदा, ऐसा नहीं है। मतलब 13 एग्जाम जो है ना, शुरू का पहला दो पेपर CM1 और CS1, यानी ये अगर आपका ढंग से हो गया ना, फिर आगे के पेपर में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? आपको पूरा प्रोसेस पता होगा, आपको पूरा प्रोसेस पता होगा कि मेरे को कैसे कैसे करना है। तो शुरू के पेपर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाई। अगर आपका पहला दो पेपर स्ट्रेट निकल गया, आप देखेंगे एक के बाद एक आपका निकलते ही जाएगा। मेहनत डेफिनेटली है, ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 4 to 5 hours आपको पढ़ना है, 4 to 5 hours आपको रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। एंड हमने बैकअप ऑप्शंस दिए हैं, रात में भी क्लास हो रहा है, सुबह भी क्लास हो रहा है। मॉर्निंग क्लासेस आर मेंट फॉर गर्ल्स जिनका शाम को कॉलेज होता है, एंड इवनिंग क्लासेस आर मेंट फॉर बॉयज। अगर किसी का डे कॉलेज है तो वो मॉर्निंग में भी अटेंड कर सकता है, वो इवनिंग में। समझ में आ रहा है? पूरा एकदम क्लियर है सब कुछ पिक्चर? किसी को भी क्वेरी है रिगार्डिंग द शेड्यूल एंड कैसे कैसे क्या है? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके चलो, सो पुट द हेडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सुनो, ऐसा पढ़ा देंगे ना, जीवन भर नहीं भूलेगा, जीवन भर चीज को नहीं भूलना है, कुछ नहीं है, ध्यान सुनना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे पूरा जो CM1 का जो करिकुलम है उसमें आपको बैंकिंग मिलेगा, उसमें आपको इंश्योरेंस मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। पहले हम लोग बैंकिंग वाला पार्ट पे आते हैं, ठीक है, पहले हम लोग, और कोई भी बच्चा लेट नहीं आएगा क्लास में। मैं जब टाइम पे आ रहा हूँ, आप लोगों को भी टाइम पे आना पड़ेगा। मैं आपका टाइम का रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मेरे ढंग का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग का बैक टू बैक बैच चलता है, तो कोई भी लेट नहीं आएगा क्लास में, ठीक है। तो कोई भी लेट नहीं आएगा, चाहे वो ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में तो मैं और ही गुस्सा हो जाऊंगा, क्योंकि घर में उठ के लॉग इन करने में भी अगर आपको टाइम लगेगा, वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल, ठीक है। कोई भी क्लास में लेट नहीं आएगा, लेट्स मेक अ पॉइंट, ना मैं आपका टाइम का वेस्टेज करूंगा ना अपने टाइम का वेस्टेज करूंगा। चलो, तो CT1 वाला जो पार्ट है, जैसे CM1 इज मेड ऑफ टू पार्ट, CT1 वाला जो हमारा पार्ट है, अगर आप उसमें देखोगे, जो पैसा पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं, पैसा हम लोग स्टॉक में डिपॉजिट करते हैं, पैसा हम लोग किसी कंपनी को देते हैं, राइट। तो पैसा जब हम लोग बैंक में रखते हैं तो हम लोग को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, राइट, इंटरेस्ट मिलता है। तो अब अगर आप देखोगे, पैसा जब हम लोग बैंक में रख रहे हैं, तो आज मैं पैसा बैंक में रख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू, वो कुछ अक्यूमुलेट होकर मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग। पैसा को फ्यूचर में भेजना, उधर पैसा को फ्यूचर में भेजना इज कंपाउंडिंग, एंड पैसा को टान के प्रेजेंट में लेके आना इज डिस्काउंटिंग। यही दो चीज हम लोग पूरा CM1 में करेंगे। एक जो सम ऑफ मनी आज यहां पर है, उसको फ्यूचर में भेजना इज कंपाउंडिंग, एंड फ्यूचर में जो पैसा, सर फ्यूचर में कैसे पैसा, समझाता हूं। तुमको MBA करने जाना है 5 साल बाद, ठीक है, MBA का खर्चा लगेगा 1 करोड़। तो आज से ना तुम प्लानिंग चालू करेगा, एक जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उसके पास पैसा बैंक में नहीं रखा होता है, उसको प्लानिंग करना पड़ता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करके, कि भाई मेरे को 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं हर महीना एक कितना का मैं रिकरिंग डिपॉजिट करूंगा, ताकि 5 साल बाद मेरे को टोटल अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 करोड़ का मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पैसा फ्यूचर में है उसको टान के प्रेजेंट में लाएंगे, दिस इज डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग मतलब आगे लेके जाना, डिस्काउंटिंग मतलब टान के प्रेजेंट में लाना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सुनना, हम लोग को ब्याज क्यों मिलता है, और या फिर अगर मान लो हम लोग कभी किसी से पैसा बोरो करते हैं तो हम लोग को ब्याज क्यों पेमेंट करना पड़ता है, Why do we pay interest? समझना, पैसा का कमी सबके पास है। आज मान लो जो पैसा हम बैंक में देंगे, वही पैसा अगर हम स्टॉक मार्केट में लगाते, किसी कंपनी में लगाते, तो वो मेरे को रिटर्न देता, राइट। वो पैसा हम अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते थे, मैंने अपने सेल्फ कंजम्पशन को डेफर करके किसी को पैसा दिया, राइट। तो सामने वाला मेरे को क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा पे करेगा। वट इज द इंसेंटिव टू गिव माई मनी टू समवन? सामने वाला बोलेगा, देखिए आप आज मेरे को 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 2 साल के बाद में 1,10,000 रुपए देंगे, ठीक है। वो जो 10,000 रुपया है वो मेरे को लियोर कर रहे हैं कि हम अपना पैसा सामने वाला को दे दे। उसके संग क्या क्या है, पैसा मेरे पास तो सेफ था,
पैसा मेरे पास तो सेफ था। आज भी तुम देखेगा जो पुराना जमाना का जो लोग है वो लोग अपना पलंग के नीचे पूरा एकदम पैसा बिछा के सोता है ताकि पैसा कहीं चला ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग अपना पैसा बैंक में भी नहीं रखता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब पैसा के साथ एक रिस्क फैक्टर है, अगर सामने वाला मेरा पैसा नहीं दिया तो, राइट। और एक चीज क्या है, आज हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके हर चीज का आटा दाल चावल जो एक प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स मतलब जो एवरेज परचेजिंग पावर है, जो एवरेज हम लोग का परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर हम लोग का हर चीज का गिर रहा है। परचेजिंग पावर गिर रहा मतलब क्या होता है, मान लो आज के दिन पे हम 10,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल। तो 10,000 रुपया अगर कमाते हैं तो 10,000 रुपए से हम जो सामान खरीद पाते हैं, क्या 5 साल के बाद में भी हम 10,000 रुपए से उतना ही सामान खरीद पाएंगे? नहीं, ज्यादा ना कम, कम, समझा ना, कम। जब आपके ग्रैंड पेरेंट अर्न करते थे, यू मस्ट हैव हर्ड दिस डायलॉग्स इन योर होम, उस समय तो 10,000 रुपए भी काफी था, आज के दिन पे 1 लाख रुपए भी पूरा नहीं पड़ता है, राइट। एवरीथिंग इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव ड्यू टू इन्फ्लेशन, अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। पेट्रोल का दाम समझ लीजिए ना, समझ रहे हैं, पेट्रोल का दाम कितना से देखो 100 रुपए पार हो गया, तो हर चीज का दाम बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हम सामने वालों को पैसा 5 साल के लिए देंगे और अगर वो मेरे को 5 साल के बाद में भी 10,000 रुपया ही देगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो क्या बोलते हैं रहन सहन का जो तरीका है वो गिर जाएगा ना। रहन सहन का तरीका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर जाएगा, क्योंकि ये 10,000 से हम वो स्टैंडर्ड लिविंग तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो उसको मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, चाहे वो 2,000 हो चाहे वो 3,000 हो, वो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देगा। और ये एक्स्ट्रा क्या है, इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा वो मेरे को क्यों दे रहा है, ये एक्स्ट्रा वो मेरे को क्यों दे रहा है, टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी। ये एक्स्ट्रा 2,000 रुपए पहले सोचो कि वो मेरे को क्यों दे रहा है, टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, पैसे का वैल्यू दिन पर दिन क्या हो रहा है, गिर रहा है। सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। आज एक बात समझना, आज हम 10,000 रुपए दिए, 5 साल बाद उसका वैल्यू 10,000 रुपए रहेगा, ज्यादा ना कम, कम। तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी, कि भाई जो सामान हम 10,000 रुपए से आज खरीद पाते थे 5 साल बाद भी हम 10,000 रुपए से, बोलो, अरे बोलो ना, वही सामान खरीद पाए, वही सामान खरीद पाए। तो इसीलिए मेरे को क्या चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, और वो एक्स्ट्रा को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। समझ आ रहा है, एक लाइन बस लिख लेना, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, ठीक है। तो पैसा का जो वैल्यू है वो दिन पर दिन गिर रहा है। इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी वी नीड टू पे समथिंग एक्स्ट्रा विच इज नोन एज इंटरेस्ट, ठीक है। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सब लोग क्लास सिक्स में या फिर समझ रहे, तो क्लास सिक्स में समझ में आता रहे, तो क्लास सिक्स में हम लोग सब ये पढ़े सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक अदर नेम लिखो, कमर्शियल, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का अदर नेम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का अदर नेम क्या है, बोलो, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस PRT बाय 100, तो P बाहर आ जाएगा, 1 + RT/100। कॉपी करो उसको। प्रिंसिपल मतलब क्या, जो पैसा आज जमा किए, रेट मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, एंड टी मतलब क्या, टाइम पीरियड नंबर इन इयर्स, टाइम पीरियड इन इयर्स। अब यहां पर मैं कुछ ट्वीक करूंगा। अमाउंट का मतलब क्या है, वो पैसा, अमाउंट का मतलब क्या है, वो पैसा जो मेरे को, बोलो ना, जो वो पैसा जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। अमाउंट का मतलब क्या है, वो पैसा जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, राइट। तो अमाउंट को मैं लिखूंगा, अमाउंट
अक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रिंसिपल को मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू, आर बाय 100 को मैं लिखूंगा आई, एंड टी को मैं लिखूंगा एन। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा ध्यान देना, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा ध्यान देना, ए बी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस एन आई। अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस एन आई। करना रहे प्रेजेंट वैल्यू में कुछ और ऐड करके हम लोग अक्यूमुलेटेड वैल्यू देंगे, ठीक है, कॉपी हुआ ये वाला। अमाउंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट जुड़ के जो अमाउंट मिलता है मतलब फ्यूचर में मिलेगा ना वो, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है पता है, सिंपल इंटरेस्ट में कॉपी हुआ सब लोगों को, कॉपी हुआ हाँ ओके। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, देखो यहाँ 100 में 4, अगर 4% ब्याज का रेट है, फिर 100 4 और यहाँ पर 4 4, देखो अब मेरा बात समझना, अब क्या होगा, यहां से ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, यहां से तुम्हारे ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे ब्रांचेस, क्योंकि क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ब्रांचेस कब निकलते, ब्याज पे ब्याज कब मिलता, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो होगा सेम इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग का बोलते कि नहीं हो, खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग का क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। सो ध्यान देना, यहां पर इसलिए मैंने ब्रांचेस नहीं बनाए, यहां पर इसलिए मैंने ब्रांचेस नहीं बनाए, ठीक है, यहां पर लिख दो इंटरेस्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड नॉट ऑन इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो पैसा हम लोग आज बैंक में जमा कराए, राइट, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर ब्याज पे ब्याज चार्ज होगा तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, वो भी हम लोग लिखेंगे, अगर ब्याज पे ब्याज चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का अदर नेम लिख लेना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो आप ध्यान देना इधर में, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले मैं इसका ट्री डायग्राम दिखाता हूँ। सो 100 एट द रेट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, सो 100 से निकला 104, फिर यहां से निकला और अब यहां से भी निकलेगा, जब ब्याज पे ब्याज चढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर टी, मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। कॉपी करिए इसको, ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, बोलो हाँ कि ना, ओके। चलो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया पूरा, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चलिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब ब्याज पे ब्याज चढ़ेगा, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ओके। चलो तो ये अब हम लोग का हो गया, इसके बाद में तुम लोग हेडिंग लगाना अक्यूमुलेशन फैक्टर, अक्यूमुलेशन फैक्टर इसका जो नोटेशन है, ए ब्रैकेट में 0, n लिखना, अक्यूमुलेशन फैक्टर
फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम एन, अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम एन। इसका मतलब क्या, ध्यान देना, आज मैंने 100 रुपया लगाया, 5 साल बाद वो 200 रुपया हो गया, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, 2 से। 100 मेरा यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, 200 मेरा यहाँ पर क्या है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अक्यूमुलेशन फैक्टर से। मतलब क्या होता है, मेरा पैसा कितना गुना हो गया, हाउ मेनी टाइम्स माय फंड हैज ग्रोन, हाउ मेनी टाइम्स माय फंड हैज ग्रोन, मेरा पैसा कितना गुना हो गया, हाउ मेनी टाइम्स माय फंड हैज ग्रोन। प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे अक्यूमुलेशन फैक्टर से, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, बोलते क्यों नहीं हो, क्या मिलेगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, यहां तक सबका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे लिखते चलो, नेक्स्ट हेडिंग लगाना जीरो कूपन बॉन्ड, नेक्स्ट हेडिंग लगाना, हो गया ना, कंप्लीट है ना, कॉपी करना कर लो। चलो ये हो गया, अब सुनो मेरा बात ध्यान से, आगे बढ़ते हैं जीवन में। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ते, चलो तो अब जैसे ये तो मेरा हो गया, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, अब हेडिंग लगाना जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म है ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे क्या होता है, बॉन्ड इज अ लोन अग्रीमेंट, मतलब हम तुमको पैसा दिया, क्या प्रूफ है, एक सर्टिफिकेट तुम मेरे को देगा कि भाई हम तुमसे पैसा बोरो किया है। आज के दिन तो मान लो हम अगर ITC कंपनी को पैसा देते हैं, इंडियन टोबैको कंपनी को पैसा दिया 1,00,000 रुपया, तो क्या प्रूफ है पैसा दिया है, ITC कंपनी मेरे को एक सर्टिफिकेट देगा, इसमें लिखा रहेगा रवीन पटवारी हैज गिवन मी 1,00,000 रुपीज फॉर 5 इयर्स एट इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हम लोग कितना कितना इंटरवल में पे करेंगे, राइट। अब पहले क्या होता था, ये सर्टिफिकेट में नीचे में ना ऐसे लगा रहता था, डोमिनोज का कूपन देखा है ना, उसको यहाँ पर ऐसे मान लो 5 साल का है और हाफ ईयरली कूपन है, तो ऐसा यहाँ पर 10 जो कूपन लगा रहेगा, ठीक है, 6-6 महीने में ब्याज मिलेगा, 1,00,000 रुपया का अमाउंट है, 10% ब्याज का रेट है सालाना, 10% ब्याज का रेट है पर एनम, तो हर आधा साल में कितना मिलेगा, 5%, तो 1,00,000 का 5% कितना हो जाएगा बताओ, 5,000। 6 महीना बीत गया, कूपन फाड़ो कंपनी को दो, कंपनी तुमको 5,000 रुपए देगा। 6 महीना बीत गया, कूपन फाड़ो कंपनी को दो, कंपनी तुमको ब्याज का 5,000 रुपए देगा, समझा। अगर एनुअल होता तो कितना कूपन होता, 5। 1 साल बीत गया, कूपन दो कंपनी कितना देगा, 2 साल बीत गया, कूपन दो कंपनी कितना देगा, समझा। तो कूपन पेइंग बॉन्ड, कूपन पेइंग बॉन्ड मतलब एक ऐसा लोन अग्रीमेंट जिसमें हम लोग रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं किसमें, कूपन पेइंग बॉन्ड में। तो वो प्रथा चलते आ रहे, दैट ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेयर दे आर स्टिल टेलिंग इट अ कूपन पेइंग बॉन्ड, बट आज के लिए तो सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग होता है, माने तुम्हारा जैसे ही टाइम होगा कंपनी तुरंत सारा पैसा तुम्हारा बैंक में डाल देगा, समझा बात को, बैंक टू बैंक सारा ट्रांजैक्शन होता है, कैश कहीं पर भी नहीं आता है इसमें, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड आज के दिन पे हमने नया फॉर्म चालू किए, ठीक है, मेरा नया फॉर्म चालू किए, 5 साल तक कोई रेवेन्यू का उम्मीद नहीं है, ठीक है। हम तुमसे क्या बोल के पैसा लिए, आज आप मेरे को 70,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको 5 साल के बाद में 1,00,000 रुपया देंगे, 1,00,000 रुपया देंगे, तो ऐसा तो नहीं कि हम तुमको ब्याज नहीं दे रहे हैं, टोटल में हम तुमको कितना दे रहे हैं, 30,000 दे रहा है, बट इंटरवल्स में नहीं दे रहा है, 1 साल एक बार में मैच्योरिटी में दे रहा है, इसको बोलते हैं रेगुलर कूपन इज जीरो, एक ऐसा लोन अग्रीमेंट जिसमें, बोलो, एक ऐसा लोन अग्रीमेंट जिसमें क्या, जिसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, 1 साल। तो बेसिकली यहाँ पर 1,00,000 रुपए मेरा पार वैल्यू हो गया, जो सर्टिफिकेट कंपनी मेरे को देगा उसमें क्या लिखा रहेगा, बोलो कि भाई सर्टिफिकेट जो कंपनी देगा, जिसके पास में सर्टिफिकेट है, आज से ठीक 5 साल के बाद में सर्टिफिकेट देना कितना रुपए ले जाना, 1,00,000, और आज के दिन पे ये सर्टिफिकेट कितना मिलेंगे, 70,000 में, तो 30,000 डिस्काउंट वैल्यू हुआ, तो 30,000 जो डिस्काउंटेड है, 30,000 जो डिस्काउंटेड है वो क्या होगा फिर बताओ, वो एक तरीके से क्या हो गया, जो कंपनी मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट कर दे, तो दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार,
These bonds are issued at a discount, right? Redeem that bond. Is it clear all of you? समझ रहे हैं तुम लोग क्या बोल रहे हैं हम? Okay. तो मैं यहां पर क्यों बोला, देखो ये मेरा accumulated value हो गया, ये मेरा present value हो गया, कौन से ज्यादा होगा? ए भी ज्यादा होगा ना पी भी ज्यादा होगा? ए भी ऑब्वियस सा बात है, ए भी ऑब्वियस सा बात है। अब कोई भी इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज 0.1, बोल पाएगा हाँ कि ना? ठीक है, सेम तरीके से ट्रेजरी बिल का डिस्काउंटिंग होता है। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टी बिल्स, ठीक है ना, 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, ठीक है ना, टी बिल्स 30 डेज का होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रहा है, गवर्नमेंट पैसा बोरो करता है। बहुत बार इकोनॉमिक सिनेरियो को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट या तो बॉन्ड्स इश्यू करता है या फिर बॉन्ड्स खरीद लेता है ओपन मार्केट। समझा? देखो मेरा बात समझो, गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इश्यू कर रहा है मतलब क्या, गवर्नमेंट पैसा टान रहा है इकोनॉमी से, और गवर्नमेंट अगर बॉन्ड खरीद रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है पैसा इकोनॉमी में। समझा? ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट ऑपरेशंस करता है, देखना पड़ता है, इन्फ्लेशन मेजर्स को देखना पड़ता है, इंडेक्सेस को देखना पड़ता है, इकोनॉमी को देखते हुए गवर्नमेंट ऐसा बहुत सारा ऑपरेशंस करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे CB2 बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। सो अभी ये चीज क्लियर हुआ, व्हाट इज दिस 0.1 बॉन्ड? अच्छा, 100 रुपए का जो नोट होता है, तुम लोग देखिएगा 100 रुपए का नोट का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। बट क्या वो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं, वो कॉटन से बना है कि पेपर से बना है वो डिस्कशन में हम लोग नहीं जाते, बट वो जिस भी चीज से बना है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू उसका 100 रुपया नहीं है, दिस इज द फेस वैल्यू। 5 रुपए का कॉइन नहीं, 5 रुपए का कॉइन 5 रुपए लिखा हुआ है, 10 रुपए का कॉइन 10 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू इतना है? नहीं, उसका फेस वैल्यू। तो ये जो सर्टिफिकेट जो है इसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब क्या, जो लिखा रहता है। दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम दैट बॉन्ड, ठीक है। नाउ पुट द हेडिंग, सिंपल डिस्काउंट, का क्या लिखेंगे? कमर्शियल रेट ऑफ, बोलो ना डिस्काउंट, ठीक है ना, कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट, अब सुनो, अब हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अब क्या निकालना है मेरे को फ्यूचर से टान के? क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 minus NDV, डी इज द सिंपल ऑब्लिक कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट। अक्यूमुलेटेड वैल्यू से कुछ प्लस करेंगे ना माइनस, अभी तो तुमने बोला क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटेड वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है ना, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ज्यादा होता है, तो 1 minus NDV करेंगे, क्या करेंगे? 1 minus NDV। अब मेरा बात सुनो, यहां पर हम लोग को डिस्काउंट दे देगा, नंबर ऑफ इयर्स दे देगा, ये वाला जो पार्ट है देखो, अक्यूमुलेटेड वैल्यू को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 minus NDV से। अब मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ इयर्स बढ़ जाते हैं, अगर मान लो एक बात बताओ, ये 0 है, ये 5 है, ये टाइमलाइन बोलते हैं, तो टाइमलाइन बोलते हैं, यहाँ पर नीचे वो टाइम प्लॉट करते हैं, ऊपर में हम लोग कैश फ्लो प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो 70,000 है, यहाँ पर 100,000 है, 100,000, ठीक है। तो ये हो गया, अब मान लो 10 साल का है, 10 साल का है, तो क्या यहाँ पर अगर 100,000 है तो यहाँ पर जो होगा 70,000 होगा, ज्यादा ना कम? जल्दी बताओ, कम, ऑब्वियस वाला था, कम। नंबर ऑफ इयर्स हैड गॉन अप, द डिस्काउंटिंग वुड हैव इंक्रीज्ड। समझ आ रहे हैं सब? समझ आ रहे हैं? तो ये हो गया सिंपल ऑब्लिक कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट। अब चलो, अब अगर हम लोग कंपाउंड डिस्काउंट में जाएंगे, कंपाउंड डिस्काउंट का अदर नेम क्या है? जल्दी बोलो। इफेक्टिव में अगर हम लोग जाएंगे, तो बस खाली कुछ चेंज नहीं है, क्या चेंज है? एन जो है वो कहां चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। एन जो है वो कहां चला जाएगा? ए बी 1 minus D होल टू दी पावर एन, ठीक है, देख लो इसको आराम से। हेडिंग लगाना, ये लिख लिया फॉर्मूला अंदर, डी डिस्काउंट रेट, ठीक है। अगर एग्जाम में बोला कमर्शियल, इसका मतलब क्या है? सिंपल इफेक्टिव, कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? कंपाउंड, ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर है सबको? हेडिंग लगाना डिस्काउंट फैक्टर,
तो डिस्काउंट फैक्टर का जो नोटेशन है दैट इज बी, एक मिनट, डिस्काउंट फैक्टर का जो नोटेशन है दैट इज बी जीरो टू एन। सिमिलरली ए था ना, यहां पर बी है, इसका लिखना, इसका लिखना डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम टाइम एन टू टाइम। मेरे पास सुनो, लिखते समय हम लोग लिखते हैं कि जीरो टू एन, बट वो क्या रहा है, टाइम एंड पे जो पैसा है उसको टान के जीरो पे ला रहे ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एबी को, सॉरी एबी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी मिलेगा, डिस्काउंटिंग, समझा, हाँ कि ना। सब लोग कैलकुलेटर लाए, एफ एक्स 82 ई एस प्लस, खुद मत आना, अगर बैग में चेक करेगा सेंटर के बाहर आया कोई दिन, बैग में दो तीन चीज चेक कर लेने, एक कॉपी पेन, पेंसिल हम लोग दे देंगे, कॉपी के लिए हम लोग फीस दे देंगे, कैलकुलेटर, ठीक है, और टेबल बुक, नेक्स्ट क्लास से टेबल बुक लेके आना है, ठीक है, और एक दो क्लास के बाद से कंपाइलर ऑब्लिक रिविजन नोट लेके आना है, बस कुछ नहीं, और पेपर लिखा क्लास में लैपटॉप लेके आना है ना, बहुत सारे बच्चों तो भूल गए लैपटॉप लाना था पेपर भी के क्लास, पेपर भी तो कॉपी में नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, फोन तो नहीं भूलता है। चलो ये हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब उसके बाद में देखना, एक हम लोग लिखेंगे यहां पर गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू, एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू। तो एक काम करो, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको यहां पर रिप्लेस कर दो, तो एवी इंटू डी एफ इंटू ए एफ इज इक्वल टू एवी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एफ इंटू ए एफ इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ए एफ इज इक्वल टू वन बाय, इसका मतलब क्या है, अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, एक भी क्लास नहीं मिस करना है, जानना चाहते हो क्या है सीक्रेट मेरे सक्सेस का, एक भी क्लास नहीं मिस करना, क्लास जो कंसिस्टेंटली आ गया ना, और अगर वो बच्चा फेल हो गया, इधर आके बोल, इधर बोला बोले थे और हम फेल हो के दिखाएं, अब बताइए नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, समझ रहे, दो क्लास मिस किया मतलब 2% प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे, तो दमक दमक हो जाता है, छोड़ना क्या है, ऐसी बकता है, तो बोर हो जाता है, ठीक है, पूरा चाट जाता है भाई क्लास में एकदम, ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी आ गया। इधर बैठो, ठीक है, ए एफ इज इक्वल टू वन बाय, ठीक है, अब चलो एग्जाम लिखो, वन थाउजेंड इज प्रेजेंट वैल्यू, एन इज फाइव इयर्स, तुम लोग को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, सिंपल डिस्काउंट दे दिया है 8% पर एनम, कंपाउंड डिस्काउंट दे दिया है 9% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 11% पर एनम, ठीक है, चालू करिए।
चलो तो कितना कितना आ रहा है बताओ, बोलो। देखो हम लोग को अक्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना है, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रेजेंट वैल्यू सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बताओ? अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 माइनस एनडी इज प्रेजेंट वैल्यू, राइट? सब डाल दो, मतलब ऐसे ही किया है ना। फिर कंपाउंड डिस्काउंट में क्या करेंगे? पूरा खाली फॉर्मूला डालो, जो मिसिंग फिगर है उसको निकालो। कितना आ रहा है इसमें आंसर? 1666। उसमें क्या किया है? AV 1 माइनस D to the power n इज PV। तो क्या किया बताओ? एवी क्या है बताओ? एवी इज इक्वल टू 1000 बाय 1 माइनस 0.0। क्लियर है? ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में देखना हाउ टू यूज एक्चुअल कैलकुलेटर का वीडियोस है, ठीक है? वो आज घर में जाके सब लोग देखेगा। अब चालू हो गया 8-8 घंटा पढ़ना भैया, ठीक है? आज से एकदम पूरा रेगुलर जो बोलेंगे ग्रुप में, और ग्रुप जो बच्चा स्किप किया ग्रुप स्किप मत करना एकदम, ठीक है ना? चलो ये हो गया, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो? तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, पूछ रहे हैं। गुस्सा हो गया तुम लोग? क्या हो गया बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? ठीक नहीं लग रहा अंदर। ऑनलाइन में बताइए। हाँ ये लोग, वाह सब लोग का आंसर दे दिए। ये लोग पलक जैन का आंसर सारा रॉन्ग है। पलक जैन का ये लोग सब डिस्काउंट कर दिए। हाँ इशिका अग्रवाल का सही है। फिर भी इसका कितना आ रहा? 1602। 1602.4। अब चलो आ जाओ इसके बाद में ध्यान से थर्ड वाला में क्या करेंगे बताओ? AB इज इक्वल टू PB 1 प्लस NI, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1000 into 1 plus 5 into 0.1 कितना आएगा? एंड AB इज इक्वल टू PB 1 प्लस I, तो 1000 1 प्लस 0.11, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अब मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया है time 8 पे 2000। हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम लोग को दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, सिंपल डिस्काउंट 6%, कंपाउंड डिस्काउंट 7%। तो बहुत सिंपल है ये, सेम तरीके से फॉर्मूला में डालेंगे, राइट? सेम तरीके से फॉर्मूला में डालेंगे पूरा। सो 2000 बाय 1 प्लस 8 into 0.04, इज इट करेक्ट? है ना? यहां पर आ जाएगा 2000 बाय 1 प्लस 0.05 to the power 8। फिर यहां पर आ जाएगा 2000 1 माइनस 0.06 into 8, और यहां पर आ जाएगा 2000 1 माइनस 0.07 to the power 8। सही है ये ना? बोलो हाँ कि ना। वाला कैलकुलेटर नहीं चलेगा? मिला नहीं नहीं क्या? जाओ बच्चे का सर, जाओ बच्चे तो कम बंद। और किसने इसे नाम दिया था कैलकुलेटर नहीं मिला है?
हम दिलवा कर सकते हैं। ये वाला सबको क्लियर हुआ? यहां तक किसी का कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत? बोलो। ठीक है, चलो। पुट द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। वहां पर मेरा माइक म्यूट पे रह जाता है, तुरंत कोई माइक ऑन करके बता देना कि आई'm on म्यूट। ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, ध्यान देना। ये टाइमलाइन देखो, ये 0 है, ये 4 है, ये 12 है और ये 20 है। यहां मैंने 100 रुपया डाला, यहां वो 200 हो गया, यहां वो 600 हो गया। ठीक है, और यहां पर ये 1500 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से यहां मेरा पैसा कितना गुना हो गया, यहां से यहां और यहां से यहां, बताओ। यहां से यहां 2 गुना, यहां से यहां 3 गुना, और फिर 600 का 1500 हो गया, तो कितना हो, बताओ। 2.5 टाइम्स हुआ, कैलकुलेट कर लो। 1500 को डिवाइड करो 600 से, तो कितना आएगा बताओ। 2.5 आ रहा है? हाँ बोलो ना, हाँ कि ना। तो बेसिकली ओवरऑल मेरा पैसा कितना गुना हो गया, 2, 3, 6, 100 का 1500 हो गया ना, तो 15 गुना हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 = 2 × 3 × 2.5, या फिर ए 0 to 20 इज इक्वल टू ए 0 to 4 इंटू ए 4 to 12 इंटू ए 12 to 20। बोलो। हाँ
अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिटवीन कैन बी मल्टीप्लाइड, अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिटवीन कैन बी मल्टीप्लाइड। ये हम लोग सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ही कर सकते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब मेरा बात को एकदम ध्यान से सुनना। अब देखो, यहां हम जीरो है, यहां वन है, यहां 100 लगाए, यहां 110 हो गया, तो ब्याज का रेट क्या हुआ? 10%। यहां पर फैक्टर क्या बना? 1.1, अक्यूमुलेशन फैक्टर। अब मेरा बात समझना, मैं बोल रहा हूं अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या था, पहले सोचो अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या था। प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑब्लिक फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। तो मैं बोलता हूं मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया 100 को 1.1, तो ये मेरा क्या है? अक्यूमुलेशन फैक्टर है। तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1/1 + 0.1, राइट। और एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोग बोलते हैं बी। एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है, तो बी क्या हो गया? 1/1 + i। क्यों? क्योंकि एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है? 1 + i। तो एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1/1 + i। इसको हम लोग बोलते हैं बी। 2 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 + i² तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/1 + i² या फिर 1/1 + i² या फिर 1 + i⁻²। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, 3 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बनेगा? VQ। 4 साल का V⁴। 5 साल का? 6 साल का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला था पहले बताओ। तुम तुझे खून दो मैं तुम्हें, मेरे को अपना 2 महीना दे दो हम तुमको आजादी दे गए। सिर्फ 2 महीना बोले हैं, दिसंबर एंड, बट 2 महीना। कौन कौन सा महीना? नहीं नहीं, अक्टूबर को हाफ गिनो, दिसंबर को हाफ गिनो ना। तो दिसंबर में जिंगल बेल होगा और यहाँ पर आधा टाइम पूजा वूजा, यू नो लाइक। सो अब एक और चीज देखना, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों ही केस में मेरा 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर 1 + i बनेगा। एक में क्या था? 1 + i⁴ और एक में क्या था? 1 + n i। तो तुम n के जगह में 1 डालेगा तो दोनों केस में ये मिलेगा। मतलब अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर इज दिस, तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर इस समय क्या हो जाएगा? 1/1 + i। अब एक और चीज देखो, चाहे सिंपल डिस्काउंट हो चाहे कंपाउंड डिस्काउंट हो, दोनों ही केस में मेरा 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बनेगा? 1 - v। एंड 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्या बोलते हैं? वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। तो वी इज व्हाट? 1 - तो मेरा डी क्या हो जाएगा? 1 - विच इज 1 - 1/1 + या फिर आई बाय। तो डी क्या है? i/1 + i एंड बी क्या है? 1/1 + हाँ कि ना? बोलो ना, बोलो ना। स्क्रीन पर है पीयूष, ईशा, जिगीशा, वरुण, संस्कृति, तेजस, नीप, भव्या, उर्विश, जैवी, सबको क्लियर है? यस सर। अब मेरा बात को ध्यान सुनना, आगे चले, बोलो चलो। समरी, समरी लगाओ एक तो।
समरी के बाद क्या आता है? नेक्स्ट चैप्टर। वेरी गुड। चलो अक्यूमुलेशन फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है? 1 प्लस एनआई। और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एनआई टू द पावर। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है? 1 प्लस आई टू द पावर n। यहां हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर। सिंपल डिस्काउंट के केस में क्या है? यहां होगा 1 माइनस 8। दिमाग खोल के भैया थोड़ा। यहां 1 माइनस 8 टू द पावर -1। और यहां होगा कंपाउंड डिस्काउंट 1 माइनस g टू द पावर n, 1 माइनस g टू द पावर -n। हाँ कि ना? अरे बोलो ना। क्लियर है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि प्रेजेंट वैल्यू मिले वो क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। और एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर का नोटेशन क्या है? बी। अब जैसे समझना, अगर हम लोग का आई है 0.1 तो हम लोग का वी क्या बन जाएगा? 1 बाय 1 प्लस 0.1। डी क्या बनेगा? 0.1 बाय 1.1। क्लियर है? चलो 2 मिनट्स का ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके सर आई हैव अ डाउट।